नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। रिलायंस पावर लिमिटेड में कुछ समय पहले आप लोगों को पता होगा, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि रिलायंस पावर एनटीपीसी कुछ इस तरह की कंपनी थी जो कि इसके नॉन फाइनेंशियल एसेट्स को सेल करने के लिए रिलायंस पावर ने उनको कहा था, और उन्होंने रिलायंस पावर को नोटिस दिया था कि आप लोग अपने नॉन फाइनेंशियल एसेट्स को बेच दीजिए, जिसकी हेल्प से आप लोग अपनी कंपनी पर डेब्ट काफी ज्यादा कम कर सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, रिलायंस पावर काफी ज्यादा डेट में, अगर आप लोग बता दूँ तो आप लोग 24,000 करोड़ के आसपास कंपनी डेब्ट में चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी रिलायंस पावर कुछ बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है, वो कुछ बहुत ही अच्छी न्यूज़ मैं आप लोग के लिए लेके आऊँ। तो वीडियो को गाइज एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो गाइज वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब कुछ मेरे साथ चैनल सब्सक्राइब करता है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ वो कोई मेरा भाई बंधु है जो मेरे साथ जुड़ा है। तो पहले बात करते हैं हम लोग रिलायंस पावर के बारे में। तो रिलायंस पावर में कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी कि रिलायंस पावर अपने नॉन फाइनेंशियल एसेट्स बेच रहा है, उसको नोटिस भेजा गया है कि आप लोग को अपना डेट रिड्यूस कर सकते हैं नॉन फाइनेंशियल एसेट्स को सेल करके। इसके ऊपर जो नीलामी हुई थी जिसमें बोली लगाई थी अदानी पावर, टाटा पावर और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर थे जिन्होंने रिलायंस पावर के ऊपर बोली लगाई थी, लेकिन रिलायंस पावर ने उस बोली को साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि इनका कहना यह था कि जो हमारे एसेट्स है ये बोली उससे काफी ज्यादा कम लग रही है। और उस समय रिलायंस पावर के पास ये एक एडवांटेज था, ये एक हम लोग बोल सकते हैं इस कंपनी का राइट था कि जो रिलायंस पावर जिस सेक्टर के अंडर में जिस ग्रुप के अंडर में काम कर रहा है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उस समय रिलायंस पावर को एक पूरी की पूरी अथॉरिटी है कि वो अपने जो एसेट्स है जो बोले लगाई गई है उनको बेचे या ना बेचे, ये राइट्स रहता है रिलायंस पावर के ऊपर। तो जिसके चलते उसने उनको मना कर दिया कि मैं इन एसेट्स को नहीं बेचूंगा, क्योंकि इन एसेट्स को मैं तब बेचता कि अगर मेरे को प्रॉफिट होगा, जो मैंने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सोच रखा था इन कंपनीज से कि ये मेरे को देंगी, वो उसमें रिलायंस पावर को नहीं मिली। तो ये डील रिलायंस पावर की भी हो नहीं पाई। और जो आप लोगों ने रिलायंस पावर में सुना भी होगी कि 7,000 करोड़ की जो डील थी उसका भी हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे किस चीज़ की वो न्यूज डील थी। तो देखा जाए, अब हम लोग बात करते हैं रिलायंस पावर शेयर के बारे में। इस शेयर का जो करंट प्राइस है 14.85 रुपए पर ये शेयर करंटली ट्रेड कर रहा है, और फ्यूचर एक्सपेक्ट से देखते हैं हम लोग बाय 2025 तक भी रिलायंस पावर का यही शेयर आप लोग अप्रोक्स 150 से 200 रुपए के बीच में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि आने वाले टाइम में जो इंडिया में पावर कंजप्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, यानी कि 4 गुना तक पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा। मतलब क्या है, अगर कोई भी एक घर आज के दिन में 10 यूनिट ऑफ एनर्जी यूज कर रहा है तो आने वाले 2050 तक वही घर आने वाले 2025 में अप्रोक्स 40 यूनिट तक की बिजली यूज करेगा, और इसका सीधा सीधा फायदा आप लोग को रिलायंस पावर में देखने के लिए मिल जाएगा। इसका भी एक रीजन है रिलायंस पावर में देखने के लिए क्यों मिलेगा, टाटा पावर में क्यों नहीं, अदानी पावर में क्यों नहीं, अदानी ग्रिड में क्यों नहीं। तो देखा जाए रिलायंस पावर अभी तक का इंडिया का एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा एनर्जी प्लांट होल्ड करता है, यानी कि इस कंपनी के पास सबसे ज्यादा एनर्जी प्लांट है जिसमें ये एनर्जी जनरेट कर सकता है, और जिससे वो पावर कंजप्शन होगी कंपनी को धीरे धीरे प्रॉफिट होने स्टार्ट होगा। कंपनी ऑटोमेटिकली उन पावर उन जो प्लांट्स उनके जो नॉन फाइनेंशियल जो नॉन यूजेबल एसेट्स है उनको यूज में लाएगी और एनर्जी क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी, और सीधा सीधा इंपैक्ट आप लोग को शेयर पे देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके ऊपर मैं अगर आप लोग एक चार्ट दिखाता हूँ तो ये देखिए इंडियन पर कैपिटल पावर कंजप्शन इज राइजिंग। इसमें अगर हम लोग चार्ट की तरफ भी ध्यान देते हैं तो 2012 के समथिंग जो इंडिया का पावर कंजप्शन था वो 914 था, और आप लोग देखते हैं तो 2020 में अभी तक जो इंडिया का पावर कंजप्शन है वो 1200 किलोवाट तक आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। और यही कहना है एक्सपर्ट्स का भी कि 2025 तक पावर कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसका सीधा सीधा फायदा आप लोगों को पावर सेक्टर में देखने के लिए मिलेगा। और पावर सेक्टर में हमेशा की तरफ दोबारा से फिर से बोल रहा, मतलब अभी जैसे मैंने पहले बोला कि सिर्फ एक रिलायंस ग्रुप ही ऐसा है जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी प्लांट वो इंडिया में होल्ड कर रहा है, जिसका सीधा इंपैक्ट आप लोग उसके शेयर पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके हम लोग फ्यूचर टारगेट के बारे में बात करते हैं तो देखा जाए जो फ्यूचर टारगेट थे कंपनी के, जो हमारा नेट मैक्स टारगेट था 14.35 रुपए जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, वो रिलायंस पावर ने ब्रेक काफी टाइम पहले ब्रेकआउट कर दिया था। उसके बाद मैंने भी आप लोग कहा था कि इस समय आप लोग जिस समय ये शेयर आप लोग 16 रुपए के आसपास चल रहा था कि आप लोग इस समय सेल कर सकते हैं, उसके बाद भी रिलायंस पावर थोड़ा सा ऊपर गया, और इस समय हम लोग देखते हैं तो जिसका सपोर्ट हम लोग को बनते हुए दिखाई दे सकता है 14.35 रुपए पर हम लोग को सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे सकता है, यानी कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अगर आप लोग को नहीं पता रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है तो मेरे चैनल पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग को एक वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए तो 14.35 रुपए पर हम लोग अपना पहला सपोर्ट मान के चलते हैं। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, अगर इसको ब्रेकडाउन नहीं करता है और दोबारा से अपसाइड की तरफ ट्रेंड देखने के लिए मिलता है तो पहला टारगेट निकल के आ सकता है 17.05 रुपए का। ये सिर्फ एक अनुमान है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब तक दूसरी कैंडल नहीं बनेगी आप लोग हम लोग कोई भी डिस्कशन नहीं करते जब तक आप लोग को दूसरी कैंडल नहीं बनती हुई दिखाई देती है। अब हम लोग बात करते हैं 7,000 करोड़ के बारे में। देखा जाए जो कंपनी को, आप लोग को पता होगा कि 7,000 करोड़ से कंपनी अपना डेट रिड्यूस करेगी, डेट रिड्यूस करेगी, ये 7,000 करोड़ आएंगे कहाँ से? तो जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बार मैंने वीडियो पहले भी बनाई थी, ओके आई थिंक मैंने गलत न्यूज़ खोल दी है, हाँ ये वाली मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। जो एक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको
जो DMRC के थ्रू उन्होंने एक राइट करा था कि हमको 7,000 करोड़ रुपए की डिमांड करी थी किसी रीजन की वजह से DMRC के थ्रू, यानी कि दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के थ्रू, तो उन्होंने 7,000 की उनको गारंटी दे दी थी। और जो अनिल अंबानी थे उन्होंने सीधा सीधा जो रिलायंस पावर के इन्वेस्टर है उनको सीधा सीधा कहा था कि ये जो कंपनी के 7,000 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो कंपनी के सब इन्वेस्टर हैं, प्रमोटर्स हो गए, जो भी हो, कि मैं सीधा सीधा इसके शेयर्स के जो कंपनी का डेप्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ करूँगा। तो ये न्यूज़ थी जिसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हुआ बना रखा है। तो आप लोग देखिए ये कहीं भी रिटर्न में नहीं है, ना ही अनिल अंबानी ने अभी तक ऐसा कोई भी एक रिटर्न एक्सपेक्ट दिया है कि हाँ ये 7,000 में कंपनी के डेट में रिड्यूस करूंगा। ये सिर्फ शेयर होल्डर से बात की गई थी अनिल अंबानी के थ्रू कि जो 7,000 करोड़ रुपए हमको मिलेंगे DMRC के थ्रू वो हम लोग दे देंगे रिलायंस पावर को। और आप लोग को ये बात जानना चाहिए जो रिलायंस कॉल हम जो रिलायंस ग्रुप को मिलेंगे DMRC के थ्रू पैसे, वो रिलायंस पावर को नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसके हेल्प से रिलायंस पावर काम करे, रिलायंस पावर का डेप्ट रिड्यूस होगा। कंपनी के बारे में हम लोग फंडामेंटल्स भी देख ले तो ओवरऑल कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी पर कोई भी डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती है, कंपनी पर डेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा है 23,000 करोड़, यानी कि आप लोग 24,000 करोड़ के ऊपर कंपनी पर डेप्ट है। प्रमोटर्स होल्डिंग 25% है, ईयर ऑन ईयर देखें हम लोग तो पिछले एक साल में 230% तक का रिटर्न रिलायंस पावर दे चुका है। और इसके अगर हम लोग बात करते हैं जो लास्ट ट्रेडिंग डे था रिलायंस पावर में, तो आप लोग को देखना जो प्रीवियस क्लोज था 15 रुपये 15 पैसे था, ओपन हुआ था 15 रुपये 40 पैसे पर पड़त के साथ रिलायंस पावर ओपन हुआ था, जो हाई गया था 15 रुपये 45 पैसे हाई गया था, 14 रुपये 70 पैसे लो गया था, और जो क्लोजिंग प्राइस था 14 रुपये 85 पैसे पर रिलायंस पावर क्लोज हुआ था। और इसमें हम लोग देखते हैं जो ट्रेडिंग क्वांटिटी थी तो अप्रोक्स 1,97,00,000 करोड़ थी, यानी कि अप्रोक्स हम लोग मान सकते 2 करोड़ की कंपनी में जो क्वांटिटी थी वो ट्रेड हुई थी, जिसमें से 1,13,00,000 आप लोग को देखने में जो डिलीवरी क्वांटिटी, तो ओवरऑल मान सकते हैं कि इसमें 57% तक की डिलीवरी क्वांटिटी का ट्रेड हुआ था लास्ट ट्रेडिंग डे में। तो बस गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। रिलायंस पावर कैसी लगी मेरे को कमेंट, रिलायंस पावर की जितने भी डिटेल्स थी मैंने डिटेल्स आप लोग को बता दिया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आप लोग कैसी लगी। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून। और गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मैं हमेशा करूँ, जब भी आप लोग वीडियो को लाइक करते हो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब करना भी चैनल को मत भूलना।